नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं भोजपुरी वन चैनल। और अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं केरला में था और हूं अभी इस वक्त, और अभी पता चला कि भाई बहुत ज़्यादा यहां बारिश हो रही है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया, और अभी शूट कर ही रहे हम लोग एक मूवी का, और ये देख लीजिए जहाँ पर हम लोग शूट कर रहे हैं ये पूरा पूरा पानी से भरा हुआ इलाका हो गया है। हम लोग का ये आज आखिरी दिन है और कल हम लोग जो है केरला छोड़कर मुंबई जाएंगे, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि जाने का कोई साधन नहीं है क्योंकि एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं और जो है रास्ते भी वो अब ख़राब हो चुके हैं। तो आज हमारा आखिरी दिन है, लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ पे पिछले 24 घंटे पे करीबन बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। इतना बारिश हुई है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शूट बंद करना पड़े, लेकिन नहीं, शूट चालू है। ये देखिए कितना यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है, और आगे की तस्वीरें दिखाते हैं, देखते हैं कि अब यहाँ से हम लोग मुंबई जा पाते हैं कि नहीं जाते। तो चलिए बस आज का दिन ख़त्म होगा, थोड़ा खाना ब्रेक हुआ है, इसके बाद जो है हम लोग कल मुंबई का सफ़र तय करेंगे। भाई ये देखकर आप बिल्कुल मत सोचिए कि मैं कहीं पार्टी में आया हूँ या कहीं शादी में आया हूँ। ये केरला का फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से देखिए जो है वो भोज आज जो है खाना खिलाया जाए, पारंपरिक तरीके से भोजन किया जा रहा है। ये देखिए पूरे केले के पत्ते मेरे पास भी आ गए, ये देखिए ये आ चुका है। तो ये बिल्कुल यहाँ का पारंपरिक तरीका है, आप जब भी इस तरह से हो, हालांकि मुंबई में ऐसा नहीं होता है, मुंबई में बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं फिल्म लाइन वाले लोग, पर यहाँ प्रॉपर ब्रेक हुआ है और प्रॉपर जो है आज बिल्कुल देखे ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं शादी में आए हैं। तो केरल की जो इंडस्ट्री है ना बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारे लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, और जो है यहाँ का फूड भी, हालाँकि मैं भी खाना खा ही लेता हूँ आज का दिन। ये हमारा आज का दिन आखिरी दिन है भाई यहाँ का शूट का। हालांकि जो है बारिश बहुत हो रही है फिलहाल, तो मैं कुछ खाना खा लेता हूँ जल्दी जल्दी और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्यार से खाना खा रहे हैं। इमरान ने खा लिया? आमिर इमरान खा लिया? भाई मैं तो खा लिया, मेरा पैकअप हो गया है, क्लोज करो। कितने सर? ओके भाई खाना खा लिए, तो खाना खाने के बाद केला जरूर खाना चाहिए। तो ये देखिए केला लगा हुआ है और इस तरह से निकालिए, मतलब जैसे मुंबई में स्वीट खाते हैं ना खाना खाने के बाद, तो यहाँ पे केला बहुत ज़रूरी होता है, वो केला खाया जाता है। हमारे और भी साथी खा रहे हैं, वो देखिए यहाँ पे ये खा रहे हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं। हाँ अमित भाई भी खा रहे हैं आज। अमित भाई कैसा लग रहा है भोजन आपको? बहुत बढ़िया। हाँ आया तुम्हारे पास भाई, सब लोग खा रहे हैं यार, तो हम लोग ने भी खाया, अभी केला खाएँगे। चलिए दोस्तों कि आज हमारा जो केरला का जो शूट था वो ख़त्म हो गया है। पिछले हम लोग 12-13 दिन से यहीं पे थे केरला में, और ये कैमरा हमारा इसमें शूट चल रहा था, ये एरिया है शूटिंग का। तो अब हमारा यहाँ से शूटिंग ख़त्म हो गई है, अब हम लोग मुंबई जा रहे हैं। हमारे साथ वही हमारे मित्र, ये देखिए राय साहब हैं हमारे साथ, और ये इनको, अरे बारिश, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, यानी जो है पैकअप हो चुका है दोस्तों, हमारा पैकअप हो चुका है। एक मिनट लाइट जलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ भाई पैकअप हो चुका है, पैकअप तो एक्चुअली में हमारा पैकअप हो गया है, और अभी हम लोग जो है कि अब अपने होटल की तरफ जा रहे हैं।
और होटल की तरफ जाने में बारिश का जो मैं हाल बताऊँ आपको, बारिश बहुत ही ख़राब है। लेकिन अभी मैं इसमें थोड़ा सा स्नैक्स के लिए आया हूँ और उसमें जो है यहाँ पे शॉप पे आया हूँ, जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे रुका हुआ हूँ। बारिश से करीबन ये मेरी जो गाड़ी है ये मुझे अभी होटल पे छोड़ेगी और यहाँ से हम लोग जाएंगे। बारिश रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है और हम लोग कल एयरपोर्ट जाएंगे तो एयरपोर्ट में क्या हाल होगा वो पता नहीं। लेकिन फिलहाल जो है सुबह से लगातार कैनल पर बारिश चल रही है और इसके वजह से जो है बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक के लिए बस थोड़ा खा पी लेते हैं। कोई भरोसा नहीं है कि कब ये जगह भी पानी से भर जाए, इसलिए जितना जल्दी हो सके हम लोग सोच रहे थे कल जाएंगे एयरपोर्ट, लेकिन आज ही हम एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे नहीं तो वो भी बंद हो जाए शायद। तो अब कैसे कैसे केरला से निकलेंगे, तो चलिए आगे का सफ़र तय करते हैं। तो दोस्तों सुबह का वक्त हो चुका है और अभी हम लोग अपने होटल से निकल चुके हैं। बहुत जल्दी सोच रहे हैं जाने के लिए, गाड़ी का सफ़र बहुत ही खतरनाक है क्योंकि हर जगह पे पानी भर चुका है। लेकिन अभी हम लोग जो है ना थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए रुके हैं और ये आ चुका है हमारा पूरी भाजी, फिर इसको खाने के बाद हम लोग तुरंत यहाँ से निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो बस अभी निकलते हैं और आगे का सफ़र तय करते हैं, तो चलिए निकलते हैं। तो दोस्तों मेरा नाश्ता और हमारा जो है चाय मैंने सब पी ली है, अब चल रहे हैं हम लोग अपने सफ़र पर, तो चलते हैं। हालांकि यहाँ से काफ़ी दूर है, करीबन 4 से 5 घंटे का रास्ता है, फिर हम लोग अपनी गाड़ी में तय करेंगे। तो हमारे तैयार है, निकलने वाले हैं। मौसम अभी तक ठीक नहीं हुआ है क्योंकि रह रह कर बारिश आ रही है और अभी भी प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि कभी भी ये रास्ता जो है ना, जो हाईवे है, अभी हमें लेके जाने वाले हैं नाम सर आपका राजेश, हमारे साथ राजेश है। बहुत ही वो है क्योंकि आगे एक जगह आपने देखा कि पानी भरा हुआ था, फिर उन्होंने गाड़ी पीछे ले ली। तो राजेश हमें पूरा वहाँ तक 5 से 6 घंटा 5 आवर्स लगेगा, 5 घंटा लगेगा हमें एयरपोर्ट के नज़दीक पहुँचने में। तो केरला की हालत बहुत ही मतलब इस समय ख़राब है, जल्दी जल्दी हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से निकल लेने के लिए, तो चलिए निकलते हैं फिर। ठीक है, तो दोस्तों सुबह से हम लोग चल रहे हैं और करीबन कोची से हम लोग अभी भी करीबन 250 किलोमीटर का सफ़र था जो हम लोग तय कर रहे थे। सुबह का रास्ता तो हमने कर ही लिया सफ़र में, अब खाना खाने के लिए आ गए। तो केरल में अगर है आप तो ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है, रहमानिया करके जो रेस्टोरेंट है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा जो है अपने मुंबई टाइप का खाना मिलता है। हालाँकि हमने कोई स्पेशल एक चिकन खाया था वो बहुत ही अच्छा लगा और उसके साथ रोटी खाया। तो खाने का समय हो गया है अभी और यहाँ से 70 किलोमीटर का दूरी तय करके त्रिवेंद्रम जो है पहुँचेंगे और वहाँ से फ्लाइट बेंगलुरु ले जाएगी
और बेंगलुरु से मुंबई जाएंगे। तो ये अगर केरल में अगर बरसात नहीं होती तो यहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचते। तो इसीलिए अभी जो है भागम भाग मची हुई है, फिर वही हमारी सवारी, चलते हैं आगे के सफ़र में। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने होटल पे आ चुका हूँ। ये एक्चुअली होटल है और ये कंपनी का ही ऑफिस है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है न्यू टीवी करके, इन्हीं की हम एक फ़िल्म कर रहे हैं जो 3D में। अब इनके यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, यहाँ से एयरपोर्ट करीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर है। और कल सुबह जो है हम लोग वहाँ पे जो है एयरपोर्ट पे जाएंगे और वहाँ से बेंगलुरु जाएंगे, बेंगलुरु से फिर मुंबई जाएंगे। तो बारिश का स्थिति इतना बेकार है यहाँ पे, पानी इतना ख़तरनाक भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो है ना कि मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। फ़िलहाल केरल में जो है ना हर जगह यही हो रहा है, लेकिन यहाँ का नेचर ही ऐसा है। लेकिन जो रिकॉर्ड टूटा है, करीबन 40 साल का पहले का रिकॉर्ड टूट चुका है कि अब बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ से, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। हालांकि हम भी रास्ते से गुजर रहे थे, यहाँ तक आने का सफ़र हमारा करीबन 250 किलोमीटर करीबन हमारा 8 से 9 घंटा जो हमारा चला। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे स्थिति थोड़ा ठीक है, यहाँ पे पानी नहीं भरा है, इसलिए तो हम कोशिश करेंगे कि कल सुबह सुबह एयरपोर्ट पे निकल जाए और फिर हम लोग मुंबई पहुँच जाए। तो बस अब कल सुबह का इंतज़ार है, आज हम लोग यहीं रुकने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने बस खाना वाना खाया है और यहाँ से जो है कल सुबह के लिए एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। और आज हम लोग यहाँ पे होटल पे रुके हुए हैं, तो हमने बोला चलो ठीक है थोड़ा सा केरला का नज़ारा ले लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन हुए बाहर निकले नहीं थे। तो आज हम लोग थोड़ा सा बाहर घूमे हैं और अभी जो है थोड़ा सा खाना वाना खाए हैं होटल का, यहाँ केरला का बहुत ही अच्छा अच्छा डिश खाए हैं, और फिर कल सुबह जो है निकलेंगे। तो बस टेंशन मत लीजिए, कल देखते हैं कल क्या होता है। अगर रात भर में बारिश अगर नहीं होती है तो हम लोग यहाँ से एयरपोर्ट जा सकते हैं,